नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पति नवजोत सिंह सिद्धू के बाद पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने भी बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। आज अमृतसर में मिसेस सिद्धू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि आज वो अपने इस्तीफे की वजह यहां पर बता सकती हैं। कल उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने मिसेस सिद्धू के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है और उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस एक लाइन के इस्तीफे के साथ नवजोत कौर सिद्धू ने बीजेपी के साथ अपने करीब 4.5 साल के सियासी रिश्ते को तोड़ दिया है। हमेशा कैमरों के सामने अपनी बात बेबाकी से रखने वाली नवजोत कौर सिद्धू ने इस्तीफे में सिर्फ बीजेपी की मेंबरशिप से इस्तीफा देने की बात कही। इस्तीफे के कारणों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नवजोत कौर सिद्धू ने ये इस्तीफा खुद नहीं बल्कि किसी शख्स के जरिए भेजा है। इस्तीफा मिलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने कुछ ही मिनटों में इस्तीफे को मंजूर कर लिया। कौर सिद्धू का कोई नुमाइंदा वहाँ पे आया और रिजाइन दिया है और उसमें एक ही लाइन लिखी है कि मैं अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन करती हूँ। इसके ज़्यादा और कुछ नहीं, और मैंने उसी वक्त उस रिजाइन की कॉपी भी मंगवाई और उसे स्वीकार कर लिया है। वहीं नवजोत कौर सिद्धू के इस्तीफे पर विजय सांपला ने कहा कि पार्टी ने सिद्धू जोड़े को बहुत कुछ दिया, लेकिन साथ ही तंज कसते हुए कहा सिद्धू जोड़े की इच्छाएं शायद काफी बड़ी थी। टिकट दी उनकी पत्नी को, मैडम सिद्धू को एमएलए की टिकट भी दी, सीपीएस भी बनाया उनको, बाद में राज्यसभा का मेंबर भी बनाया। हम तो ये कह सकते कि जितना अकोमोडेट कर सकते थे, जितना मान सत्कार दे सकते थे, हमने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उसके बाद उनकी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा रही होंगी उनके हिसाब से। पिछले करीबन 2 साल से नवजोत कौर सिद्धू और अकाली दल के बीच में तनातनी थी। निशाने पर अकाली दल था। सूबा और केंद्र स्तर पर सिद्धू जोड़े ने अकाली बीजेपी गठबंधन में दोबारा से चुनाव न लड़ने के बयान भी दिए, लेकिन जब हाईकमान सिद्धू जोड़े की इस मांग के सामने नहीं झुका तो पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दिया और अब नवजोत कौर सिद्धू ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज अमृतसर में नवजोत कौर सिद्धू मीडिया से मुखातिब होंगी। सिद्धू बताएंगी कि उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी है। ज्यादा जानकारी के लिए राजन गोसाई मेरे सहयोगी मेरे साथ अमृतसर से जुड़ रहे हैं। अमृतसर से राजन, आपसे जानना चाहूंगी कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कितने अहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को माने आज? जी मोनिका, आज जो है डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अपनी बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अपने घर पर 11 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जहां पर अपने जो इस्तीफा क्यों दिया उसके बारे में जानकारी देंगी। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो आज अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दे। आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही जो है राज्यसभा की जो सदस्यता थी उससे इस्तीफा दिया, उसके बाद भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और अभी जो है उन्होंने आवाज़े पंजाब अपना चौथा फ्रंट जो है वो खोल रखा। और हालांकि नवजोत कौर सिद्धू आज तक यही कहती रही है कि आवाज़े पंजाब का क्या विजन होगा, क्या उसकी रणनीति होगी, किस पार्टी के साथ उनका आवाज़े पंजाब समर्थन देगी, किस पार्टी को देगी, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन आज जो है क्योंकि वो भाजपा की सदस्य नहीं रही हैं तो आज देखने वाली बात होगी कि वो आवाज़े पंजाब के अगले विजन के बारे में क्या बताती हैं। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो है कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत चल रही है और जल्दी नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ना तो नवजोत सिंह सिद्धू और ना ही नवजोत कौर सिद्धू इनकी ओर से अभी तक कोई भी जो है सियासी पत्ता नहीं खोला गया, तो आज देखने वाली बात होगी कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ खुलासे करती हैं। बिल्कुल राजन, ये तो तय था कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद नवजोत कौर सिद्धू भी इस्तीफा दे देंगी, लेकिन ईमेल के जरिए इस्तीफा देना और उसके बाद वजह उसमें नहीं बताना और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाएं और क्या आज कोई ऐलान कर सकती है नवजोत कौर सिद्धू की, कहां वो जाएंगी, किसको समर्थन देंगी और क्या आवाज़ें फोरम के साथ उनका कहीं ना कहीं आगे जो है अब सियासी पारी जो उनकी उसके साथ बढ़ सकती है? अः
जी बिल्कुल मोनिका, जो इस्तीफे की अगर बात की जाए तो एक लाइन में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन पिछले 2-3 साल से वो लगातार ना सिर्फ पंजाब सरकार और श्रोमणी अकाली दल बल्कि भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ी करती रही है। चाहे पूर्व पंजाब के पूर्व प्रधान कमल शर्मा हो, उनकी कार्य प्रणाली पर भी वो सवालिया निशान जो है, सवालिया चिन्ह जो है वो उठाती रही है, सवालिया उठाती रही है और लगातार यही कहती रही कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनका दमन हो रहा है। खासतौर पर अगर उनके अपने पूर्वी विधानसभा हल्के क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर यही भेदभाव करने के आरोप लगाए थे और साफ तौर पर यह कहती थी कि चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा की थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन उनके जो क्षेत्र है उन्हें फंड नहीं जारी किए जा रहे हैं। इसको लेकर वो आमरण अनशन पर भी यहां पर बैठी थी जिसके बाद फंड जारी हुए थे। साफ तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अकाली भाजपा पर वो सियासी हमला बोलती है और आगे की रणनीति क्या रहती है, क्या आवाज़ें पंजाब की रणनीति क्या रहती है इसके बारे में हो, और कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है तो नवजोत कौर सिद्धू भी इस्तीफा जल्द दे सकती है। हालांकि उनके आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। राजन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिद्धू को लेकर पंजाब की सियासत में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका कांग्रेस में स्वागत किया था, लेकिन अब लगता है कि कैप्टन साहब को क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू की जरूरत नहीं है। कैप्टन ने सिद्धू को कंफ्यूज्ड शख्स बताया है और कहा है कि कंफ्यूज्ड शख्स की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। The only point is that he seems to be a very confused man for some reason. कैप्टन के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में 2 दिन रहने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के मामले पर कांग्रेस ने तकरीबन अपनी स्थिति साफ कर दी है। सिद्धू की कांग्रेस में एंट्री अब मुश्किल है। कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस हाईकमांड के साथ सिद्धू की बातचीत चल रही है, पर पंजाब कांग्रेस की पूरी लीडरशिप जिस तरह से कैप्टन के साथ खड़ी नजर आ रही है उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में आना मुश्किल है। लुधियाना से मेंबर पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पार्टी के वर्करों की मर्जी के बिना किसी को पार्टी में शामिल नहीं करवाया जा सकता। जो भी पार्टी है वाजे पंजाब, वो अभी भवजल में समुंदर में डूबती हुई उनकी किश्ती है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं भी हमारी ये किसी की तरीके से किश्ती पार लग जाए, लेकिन उनका मनोरथ सिर्फ ये है भी हम MLA बन जाएं। उधर बीजेपी के राज्यसभा मेंबर श्वेत मलिक ने नवजोत सिंह सिद्धू के बार बार बदलते स्टैंड पर तंज कसा है और पार्टी प्रधान विजय सांपला सिद्धू पर कुछ खास नहीं बोल रहे। आज तक जिसने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और उसको छोड़कर कहीं गया है, भारतीय जनता पार्टी को उसका कभी कोई असर नहीं पड़ा। अब वो दरवाजे खड़का रहे हैं, कभी आपका खड़काते हैं, कभी कांग्रेस का खड़काते हैं, कभी कोई मोर्चा बनाने का खड़काते हैं, तो आई थिंक ये अब जनता जानती है कि भावना पीछे क्या है। उधर कांग्रेस और बीजेपी दोनों नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, तो अपना पंजाब पार्टी के सुर थोड़े नर्म है। इस समय बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, हर आदमी पत्थर फेंक के देखता है कि कहां पैर रखने की जगह ठीक है। नवजोत सिद्धू भी यही कर रहे हैं, प्रगट सिंह भी यही कर रहे हैं, बाकी लोग भी यही कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ऐसा करना बिल्कुल उचित है। हर आदमी को सियासत में एक कदम भी आपका गलत उठाया जो है आपकी सियासी जिंदगी खत्म कर सकता है। उधर बीजेपी भी सिद्धू को लेकर तंज कस रही है, जबकि अपना पंजाब पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर नरम दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, जलंधर से राजीव बाधवा के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्शन में हैं। आज डोर टू डोर प्रचार की रणनीति पर कैप्टन पार्टी के नेताओं के साथ मंथन करेंगे और करीब 1 बजे पंजाब कांग्रेस प्रधान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और मीडिया से मुखातिब होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जगतार भुल्लर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जगतार, तो मिशन 2017 के लिए पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, तमाम स्ट्रैटेजीज उनकी तरफ से जो है आगे लाई जा रही है और अब कहीं ना कहीं डोर टू डोर प्रचार पर आज मंथन होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। देखिए मोनिका, पंजाब में एक सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो है किसान वोट बैंक का, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। आज तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं उनकी एक मीटिंग की गई है, साथ के साथ जो जिला लेवल के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं या
बाकी अन्य जो पार्टी के जो दिग्गज नेता उनको बुलाया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की नेतृत्व में मीटिंग होने जा रही है और अब कांग्रेस पार्टी किसान वोट बैंक को लेकर डोर टू डोर कंपेन शुरू करने जा रही है, क्योंकि पंजाब में किसान एक बड़ा वोट बैंक का, इससे पहले चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरदासपुर हो चाहे बठिंडा, वहां किसानों के हक में रोज धरना दिया था और साथ के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार कहते आ रहे हैं कि पंजाब में जो खुदकुशी है उनको रोकने के लिए जरूरी जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो सरकार उठा नहीं पा रही है, और जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनेगी तो तब पंजाब के किसानों का जो कर्जा वो एकदम माफ किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने अपील भी की थी कि किसान खुदकुशी करना रोक दें, ना करें, उनको मौका दें, सिर्फ 4-5 महीने का वक्फा रहेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अब किसानों को घर घर जाके मनाने का फैसला करने का एक कह सकते कि कैंपेन शुरू करने जा रही है। हर कांग्रेस पार्टी का छोटा बड़ा लीडर किसानों के घर जाएगा और उनको बताएगा कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों के हालात कैसे थे और आज कैसे। तो इसके चलते आज 11 बजे मीटिंग शुरू होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की नेतृत्व में, उसके बाद जो डोर टू डोर कंपेन शुरू करने जानी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसकी रूपरेखा क्या होगी वो मीडिया को बताया जाएगा। बिल्कुल जगतार, कौन कौन से नेता जो है आज मंथन के लिए शामिल होंगे, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत आज से होने वाली है, कहां से इसकी शुरुआत होगी, क्या कोई जानकारी मिल पाई है, और क्या सिर्फ किसानों को लेकर ये डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा या कोई और मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच कांग्रेस जाएगी? देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई कमेटियों को गठन किया गया था और जिस किसान कमेटी की हम बात करें जिसकी आज मीटिंग है, उसकी चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा और उसके साथ इंद्रजीत सिंह जेरा थे जो किसान कांग्रेस सेल के चेयरमैन है। तो इसके अलावा जो कांग्रेस के और जनरल सेक्रेटरी वगैरह या वाइस प्रेसिडेंट वो शामिल होंगे, और उसके साथ जो जिला लेवल है जिनको जिम्मेवारी सौंपनी और आगे जो ब्लॉक लेवल तक जानी फिर गाँव स्तर तक जानी है, ऐसे नेता बुलाए गए जो इस अभियान में काम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हर उस वोट बैंक को ध्यान में रखकर ऐसी पॉलिसी बनाने जा रही है, ऐसी डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने जा रही है जिसका फायदा उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिले। तो ऐसे में आज मीटिंग बुलाई गई है और इसके अलावा कह सकते हैं कि और निश्चित तौर पे बाकी जो पंजाब के मुद्दे होंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को फोकस पे भी चर्चा की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है कांग्रेस लगातार कर रही है मिशन 2017 को फतेह करने के लिए। जगतार, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।